हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको मेरे कुछ न्यू ड्राइंग मटेरियल्स दिखाऊंगा 2020 के, जो कि मैंने हॉबी क्राफ्ट से लिए हैं। कल ही मैं दिल्ली से आया हूँ, इंडिया आर्ट फेयर के लिए गया था। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स, काफ़ी लोग बोल रहे थे जो भी मटेरियल्स आप लोग उस पर एक वीडियो बना देना प्लीज़। तो हाँ, इस वीडियो में दिखा दूंगा कौन कौन से मटेरियल्स मैंने लिए हैं और क्यों लिए हैं वो भी बता दूंगा। तो चलो देखते हैं। सो गाइज, ये कुछ न्यू मटेरियल्स मैंने लिए हैं हॉबी क्राफ्ट से, जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ माइक्रोन्स हैं, मैकेनिकल पेंसिल हैं, रिफिल हैं, ग्रेफाइट पेंसिल हैं, वाटर कलर हैं, मार्कर्स हैं, सभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वाटर कलर, सकुरा के कोई वाटर कलर, जो कि यहाँ पे हैं केक्स, 24 शेड्स में है ये। इसमें आपको और भी ज़्यादा शेड्स मिल जाते हैं, 72 तक आई थिंक, बट मेरे पास 24 वाला है, बिकॉज मेरे लिए इनफ है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बिगिनर हूँ। तो सकुरा वाले 24 वाले शेड्स लिए मैंने, और साथ में मैंने तीन ब्रशेज भी लिए हैं, ब्रश पेन्स हैं तीन, दो छोटे हैं एक बड़ा है। इसके अंदर पानी डाल सकते हैं और सीधा यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी सही रहता है। ये वाटर कलर्स मैंने एक बार यूज़ किए सकुरा की वर्कशॉप थी, तो लिटरली बहुत मस्त है। मैं अभी तक तो कैमलिन के यूज़ करता था, बट अब मैं ये यूज़ करूँगा, बिकॉज कैमलिन के बहुत ज़्यादा हार्ड से हैं, मतलब अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं है, पानी में अच्छे से मिक्स नहीं होते, बट ये लिटरली बहुत स्मूथली होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अब से मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा, और वैसे मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी बनाऊँगा, तो उसका भी वेट करना। कुछ एक बार अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ, तो क्या मेरे को डिफरेंस लगा कैमलिन और इसमें कंपेयर करके बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल तो बस यही है, अभी मैंने ये लिए तो इनको यूज़ करेंगे अब अपने। और इसके साथ में जो ब्रशेज हैं ये भी काफ़ी मस्त हैं, यहाँ पे पानी डाल लो और पीछे से आराम आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया हैं ये तीनों। दो तो छोटे वाले हैं, एक बड़ा वाला है। और मैंने एक बॉक्स लिया है टॉम्बो मोनो 100 की ग्रेफाइट पेंसिल का, जो कि इसके अंदर ओनली 6 भी हैं, सो इसके अंदर 12 पेंसिल्स हैं, सभी 6 भी हैं। यहाँ पर देखो 6 भी। लास्ट टाइम जब मैंने 6B का पैक लिया था, तो मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद है तो, वो मेरी सारी खत्म हो चुकी है। मैंने अराउंड 13-14 पेंसिल ख़त्म कर दी हैं 6B की तो फिलहाल मैंने एक नया लिया। लास्ट टाइम मैंने ओनली मोनो ली थी, अब की बार मोनो 100 ली है, तो ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज 6B तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है ये, काफ़ी जल्दी जल्दी पेंसिल के ऊपर ऑप्ट होती है, तो इसलिए मैंने 6B का पूरा बॉक्स ले लिया, बिकॉज ये तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ में मैंने एक और टॉम्बो मोनो 100 की पेंसिल ली है, जो कि है 2H। 2H मेरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है रफ पेपर पे, तो मैंने एक 2H ले ली। बाकी ग्रेड्स तो मेरे पास सारे पड़े हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है, तो काफ़ी सही चलती है। और एक लिया मैंने कॉन्टे पेरिस की H ग्रेड की पेंसिल। कॉन्टे पेरिस की मैंने ओनली H ली, बिकॉज 3B मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है और 2B भी पड़ी है, बस मेरे पास H नहीं थी, तो मैंने H ले ली, बिकॉज ये काफ़ी लाइट है। और 3B तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, वैसे मैंने आपको दिखाई होंगी, मैंने मंगवाई थी मुंबई से मंगवाई थी, अब तो हॉबी क्राफ्ट के पास आ गई है, तो अब तो मैं वहीं से ले लूँगा, बट पहले तो मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उनको लेने के लिए, वो मेरे पास पड़ी हैं, अभी काफ़ी सारी पड़ी हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ तो वैसे 3B ही होती है डार्क एरियाज़ के लिए, बट थोड़ा बहुत फाइन के लिए, फाइन वर्क के लिए मैंने H ले ली। और 4 पैक हैं टॉम्बो मोनो 0 इरेजर की रिफिल के, जो कि मेरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बिकॉज मैं डेली काफ़ी हाईलाइट्स, काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक बनाता हूँ, तो उसमें काफ़ी यूज़ होते हैं, तो मैंने 4 पैक ले लिए, जो कि टोटल 8 रिफिल्स होगी मेरे पास। और ये है गाइज माई फेवरेट मैकेनिकल पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल्स तो मेरी फेवरेट हैं। इसका नाम है पेंटेल की क्रिएटर स्टाइल, और ये थोड़ी यूनिक सी है, आपने देखी नहीं हुई किसी आर्टिस्ट के पास। और इसका प्राइस अराउंड 1200 रुपीज़ है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, बहुत मस्त है, प्रीमियम सी है बहुत ज़्यादा। ये मैंने रेड कलर में लिया है, ये वैसे ब्लू और ब्लैक में मिलती है, बट ब्लू मेरे पास सकुरा वाली है और ब्लैक भी है, तो रेड थोड़ी यूनिक सी लगती है, इसलिए मैंने रेड ले ली। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है गाइस, और ग्रिप भी बहुत मस्त है इसकी, और जो आगे का मैकेनिज्म है वो तो ऑब्वियसली बहुत प्यारा है। सो देख लो गाइस, कुछ इस तरह की मैकेनिकल पेंसिल है ये। एक और मैकेनिकल पेंसिल ली है मैंने पेंटिल की, ये भी ग्राफ गियर 500, और ये भी 0.5 की है, इसका प्राइस है 650। और इसकी लुक कुछ इस तरह की है, ग्राफ केयर 500.5 पेंटेल, और आगे का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का इसका। ये तो आपने देखी भी होगी काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट के पास, और इसमें ग्राफ केयर 1000 भी आती है, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी। सो अब मेरे पास पेंटेल की तीन मैकेनिकल पेंसिल्स हो गई हैं, जो कि एक तो ग्राफ केयर 1000 है, एक 500 है, और एक ये क्रिएटर स्टाइल है। तो मेरे को कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है, यूज़ तो मैं वैसे सकुरा वाली ही करता हूँ डेली की ड्राइंग्स में, बट मेरे को ना प्रीमियम बहुत शौक है मैकेनिकल पेंसिल का स्पेशली, तो मेरे को ज़्यादा शौक है। और ये वाली तो मैं यूज़ भी कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग्स में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बस थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट जो भी है मैं तो रखूँगा इनको अच्छे से। और मेरे को कलेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक है, जो भी नई आती है ना मेरे को मन करता है कि मेरे पास हो देखो तीनों मतलब काफ़ी सही लग रही है। और एक लिया है मैंने टॉम्बो का ब्रश पेन, जो कि काफ़ी छोटा वाला है, और ये मुझे इंकू सर ने रिकमेंड किया था प्रैक्टिस करने के लिए, सो ये कुछ इस तरह का है। इंकू सर तो क्या मस्त लिखते हैं, इससे आगे से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हैंडल करने में काफ़ी ईजी रहता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए काफ़ी सही है।
मैं ट्राई करूँगा इससे सीखने की। और गाइज मैंने 4 माइक्रोन्स लिए हैं, 2 तो 003 के हैं, एक ब्रश है और एक ग्राफिक वन है। ग्राफिक वन मेरा ख़त्म हो गया था, ब्रश मेरे पास था नहीं, और 003 के तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये लिए मैंने। और प्रिज्मा कलर के 2 इरेज़र दिए सर ने मुझे ट्राई करने के लिए, देखते हैं ये भी कैसे हैं। एक मैंने शार्पी का मार्कर लिया, फाइन पॉइंट वाला, जो कि मेरे पास पहले भी था, अपने शूज़ कस्टम किए थे तब मैंने यूज़ किया था, तब ख़त्म हो गया था, तो मेरे को एक और चाहिए था तो मैंने एक ये लिया। और भी मैंने शार्पी के मार्कर्स लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हैं कुछ 5 शार्पी के अल्ट्रा फाइन टिप मार्कर्स, जो मैंने आपको पहले दिखाया वो फाइन टिप था, ये उससे भी ज़्यादा पतले हैं। तो आगे से इनकी निब कुछ इस तरह की है, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी हैं। शार्पी के बारे में तो गाइज आपको पता ही होगा, बेस्ट मार्कर आते हैं इसके, बेस्ट मार्कर इन द वर्ल्ड आई थिंक, बिकॉज आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट, GHC हो गया, मार्को हो गया, वो सारे यही यूज़ करते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए यूजली, तो ये बहुत मस्त होते हैं। और मेरे पास तो ये मैंने फाइन टिप वाले लिए हैं, और एक ये वाला लिया है, ये मैंने शाइन वगैरह करने के लिए। जो मैंने गिव वाले कॉम्बो पैक पे साइन किया ना, वो मैंने ब्लैक शार्पी से ही किया है, तो ये बहुत मस्त है, ये कलर में भी मिल जाते हैं आपको। और एक लिया मैंने आर्टबिन का बॉक्स, जो कि इसकी MRP है 1300, तो ये बहुत मस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो यहाँ पे इसकी फोम लगा हुआ है, जिससे कि अगर ये जो पेंसिल है, जैसे चारकोल पेंसिल है, तो इसमें अगर लगती है तो टूटेगी नहीं, तो ये काफ़ी बढ़िया है, इसके आगे फोम लगा हुआ है तो, और काफ़ी अच्छे से कॉन्टे की पेंसिल भी इसमें आ रही है। और एक और दिखाता हूँ मैं आपको इसका, और इसके यहाँ पे ये भी है, तो इसको भी अगर मैं इस तरह से देखो, तो यहाँ पे अगर मैं इरेजर डालना चाहूँ, यहाँ पे शॉर्पनर, यहाँ पे मास्किंग टेप, यहाँ पे पेंसिल डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी देखो ये स्पंज सा लगा हुआ है, जिससे कि पेंसिल की निब टूटेगी नहीं आगे से। सो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज जो हमारा नीडेड इरेजर होता है, जैसे कि अगर उसको पेंसिल के साथ रखते हैं तो वो गंदा हो जाता है, तो जो भी हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज इरेजर हो गया, पेंसिल हो गई, वो हम यहाँ रख सकते हैं, इसको फिर इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। और ये गाइज लॉक हो जाता है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, यहाँ से लॉक हो जाता है, ये तो ये लॉक हो चुका है देखो, अगर यहाँ पर हमने कुछ रखे हैं, यहाँ पर कुछ रखे हैं, तो अच्छे से लॉक हो जाते हैं। तो ये मुझे आर्टबिन का बॉक्स काफ़ी सही लगा, इसको मैं अब कहीं भी ले जा सकता हूँ। सो गाइज मेरे कुछ इतने न्यू मटेरियल्स हैं 2020 के, जो कि मैंने हॉबी क्राफ्ट से लिए हैं। सो गाइज मैंने कुछ इतने ड्राइंग मटेरियल्स लिए नए, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में यूज़ करूँगा। तो हाँ, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग बोल रहे थे कि बता दो कौन कौन से मटेरियल्स आपने लिए, तो यही कुछ लिया अभी फिलहाल तो। और वाटर कलर मैं आपको बता दूंगा कैसे हैं, वाटर कलर काफ़ी ज़्यादा मस्त है, मैं आपको कंपेयर कर दिखा दूँ कैमलिन और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब प्राइस में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर। हाँ, मटेरियल्स इतना मैटर नहीं करते, सबसे पहली बात मैं बोल दूँ, मटेरियल्स दिखाया ना मैंने, जो लोग मटेरियल्स के, मटेरियल्स इतना मैटर नहीं करते, सबसे मेन चीज़ है आपके 80% तो आपके स्किल्स ही मैटर करते हैं, मटेरियल्स भी करते हैं, बट सबसे मेन चीज़ तो आपकी स्किल्स है, तो हाँ वो भी ध्यान रखना। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।